छापेमारी में 18 बच्चों समेत कुल 21 लोगों की जान चली गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर हुआ है। टेक्सास के गवर्नर ने स्कूल के अंदर हमले की जानकारी दी है। स्कूल में फायरिंग करने वाले हमलावर की उम्र महज 18 साल थी। व्हाइट हाउस में झंडा झुकाया गया है और 4 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। अमेरिका में हर हाथ में हथियार, अमेरिका लाचार, यही तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक 18 साल के छात्र ने कुल 21 लोगों की जान ले ली, जिसमें 18 छात्र हैं और उसमें जान चली गई है। और आगे बाइडेन ने यह कहा है कि हम इस पर कड़ा कदम उठाएंगे, इस तरीके की हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर जो एक गन लॉबी है उसके आगे सरकार की नहीं चलती, और यही वजह है कि वहां कोई भी हथियार खरीद सकता है, उसके लिए बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी लाइसेंस के वहां हथियार आसानी से खरीदे जाते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई। पिछले साल दर साल हमने देखा कि अमेरिका में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टेक्सास के स्कूल में हुए कत्लेआम पर अब बाइडेन ने एक्शन की बात कही है कि हमें गन लॉबी पर दबाव बनाना ही होगा। बाइडेन ने कहा हमें जल्द कानून बनाकर गन लॉबी को रोकना होगा। साथ ही ये भी कहा कि जब पिछला कानून बनाया था तो हत्याएं रुक गई थी, कानून खत्म होने के बाद हत्याएं 3 गुना और ज्यादा बढ़ गई हैं। हमें दोबारा ऐसी वारदात नहीं होने देनी है, इसे रोकना होगा और इसीलिए हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा कि हमें जल्द ही कानून बनाकर इस गन लॉबी को रोकना होगा। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ऐसी हत्याएं बेहद आम हो गई हैं, ऐसी घटनाएं बेहद आम हो गई हैं। दरअसल कई ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई हैं जहां किसी ना किसी सरफिरे ने बंदूक के दम पर कई लोगों की जान ले लिया, और इसी को लेकर अब देखिए यहां पर बाइडेन ने कदम उठाने की बातें कही हैं। What do I say to my other children? What happens tomorrow? May God bless the loss of innocent life on this sad day. And may the Lord be near the brokenhearted and save those crushed in spirit. Because they're going to need a lot of help. A lot of our prayers. God love you. Will you go to Texas? और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जान लीजिए। टेक्सास फायरिंग पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बयान दिया और कहा बहुत ज्यादा हो चुका है, यहां पर हमें इन लोगों को रोकना होगा। गन लॉबी के खिलाफ एक्शन के लिए हमें हिम्मत दिखानी होगी। कमला हैरिस की ओर से ये बयान सामने आए। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जिन्होंने ये बयान दिया। I think we all know and have said many times with each other, enough is enough. Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens again. तो एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें इसको लेकर अब एक्शन में बाइडेन दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही अब आपको आंकड़े बताते हैं कि कहां कहां कब कब फायरिंग हुई है। देखिए 6 मई 2021 को इदाहो में एक स्कूल में 6वीं कक्षा की छात्रा ने अपनी बैग से अचानक हैंडगन निकालकर क्लासरूम में गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे एक व्यक्ति और 2 छात्राएं घायल भी हो गए। बिल्कुल, और ये कोई पहली घटना नहीं थी, तमाम ऐसी घटनाएं वहां पर आए दिन होती रहती हैं। 9 मई 2021 को भी कुछ ऐसी घटना हुई जहां सुबह मैरीलैंड में हमलावर ने घर में घुसकर 4 लोगों पर दनादन गोलियां बरसाई थी। इसके साथ ही देखिए 19 मई 2021 को सैन फ्रांसिस्को में 2 लोगों ने एक बस पर गोलियां बरसाई, 2 महिलाओं की मौत हुई और 5 लोग घायल भी हो गए। और साथ ही 30 मई 2021 को लोरिडा में एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में फायरिंग हुई, 2 लोगों की जान चली गई, 25 लोग घायल हुए। 6 जून 2021 को लोरिडा में भी एक पार्टी में फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। ऐसे ही 12 जून 2021 को भी टेक्सास में गोलीबारी हुई जिसमें 13 लोग घायल हो गए। साल दर साल इतनी ज्यादा घटनाएं हुई, और जो गन लॉबी है उसके आगे सरकार कोई बड़ा कदम उठा नहीं पा रही है, कानून में बदलाव कर नहीं पा रही है, और यही वजह है कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के और बिना किसी उम्र के बंधन के, किसी भी उम्र का
कोई भी युवक जाकर के आसानी से अमेरिका में बंदूक खरीद सकता है और उसका नतीजा यह है कि एक के बाद एक इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं और जान जा रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो सिर्फ आंकड़े बन करके रह जा रहे हैं। और अब बाइडेन कह रहे हैं कि हमें गन लॉबी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, और कुछ बड़ी बातें जरा जान लीजिए किस तरीके से वहां पर तमामी घटनाएं होती। टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग हुई, स्कूल पर हमला करने वाला शख्स मात्र 18 साल का था। सोच देखिए, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हालांकि हमलावर ढेर हो गया है लेकिन 21 लोगों की जान लेने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये, हमलावर स्कूल में आखिर कैसे पहुंचा, इसकी जांच अभी की जा रही है। चश्मदीदों का ये दावा है कि कार से स्कूल आया था ये हमलावर, हमलावर के हाथ में हैंडगन थी, ये चश्मदीद का कहना है। सवाल यही है कि आखिर ये स्कूल के अंदर तक कैसे पहुंचा। अब राष्ट्रपति बाइडेन इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रही हैं और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, गन लॉबी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमला हैरिस का भी ये कहना है।